बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद, तमाम मोमिनीन और मातमियान को वाला अपने ज़ुबान में रखें। ये बस दुख नहीं है, बिस्मिल्लाह। आपका जी मजलिस पढ़ रहा था मैं मुल्तान वाली साइड पे, लेकिन मुकसरीन की तरफ से बैन हो गया। और किसी से गिला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो मौला अली बादशाह को मुस्तहब कह रहे हैं उस बात के लिए कोई नहीं बाहर आ सका, तो जो अली वाजिब करके पड़ेगा उसके लिए कौन बाहर आएगा। इमाम ज़माना बादशाह, बस बादशाह का ज़ुहूर हो जल्द अज जल्द। और ये आयाम चुके सिर्फ इमाम हुसैन बादशाह के पुरसे के लिए, इन दिनों में अपने लिए कुछ मांगना वो भी अच्छा नहीं लगता। जी पूरा पंजाब बैन कर दिया है। और मज़ेदार बात यह है कि अपने आप को शिया कह के दरख्वास्त ये देते हैं कि जी ये लोग दहशत गर्द हैं। अली पढ़ना दहशत गर्दी है तो मुझे इनकी समझ आज तक नहीं आई। बिस्मिल्ला, बड़े प्यारे भाई मेरे टेज ऑफ जैनबिया जो कि पाक बीबी की आज़ादारी लाइव करवाते हैं, जी हैदर पीजा साहब मौला आपको सलामत रखे। आज मुर्ज़ा मेहदी साहब को सुनने गया था, इन्होंने पढ़ने पर पाबंदी लगाई है, सुनने पे तो ना लगाई। सुनने से तो कोई नहीं रोक सकता ना अली, अब वो इमाम बारगा में नहीं तो घर बैठ के भी सुन सकते हैं। ये बेशक बादशाह कर्म करेंगे, लाराब कोई शक नहीं, इसमें बादशाह कर्म करेंगे। जिस परवरदिगार ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपनी पहचान के लिए कायनात में भेजा, वो अल्लाह ही राज़िक है, वही मालिक है। उसी रहमतुल आलमीन के हुक्म पे हमने अल्लाह को माना है और अली को ही माना है। जी इंशाल्लाह, आप तमाम मोमिनीन दुआ करें। बात सिर्फ इतनी है, आप तमाम से भी ये इल्तमास है कि अगर आप किसी अली वाले का साथ अगर नहीं दे सकते तो कम से कम यही सोशल मीडिया इसके ऊपर ही कुछ ऐसा करें ताकि जितने अली वाले हैं उनको, चलो कुछ नहीं, विलायत अमीरुल मोमिनीन के लिए बंदे अगर कुछ कुछ कर सकें तो कुछ कर सकें। इतने लोग हैं हर जगह पे जो अब अली पढ़ने से बंदों के अजीब अजीब जहन और उनके अपने बनाए अकीदे हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप दुआ करें हज़रत पीर साहब, कल नहीं तो परसों तक मेरे मौला कर्म करेंगे और मैं इंशाल्लाह नौकरी लूँगा। इमाम ज़माना बादशाह वारिस हैं और इमाम ही जो चाहते हैं इस कायनात में वही होता है। भजन खैर है, जिस दिन इमाम हुसैन बादशाह को पुरसा पेश करना हो उन दिनों में अगर यजीदी ना नज़र आए तो फिर फ़र्क तो है ना जी। बाकी आप तमाम मोमिनीन को मौला सलामत रखे, मातमियों को अपने ज़ुमान में रखे। सिर्फ आपसे इल्तमास है, जितने भी अली मुलीला पढ़ने वाले सब कुछ छूट जाए, बस अली ना छूटे, कायनात छूट जाए लेकिन अली ना छूटे, ताकि रसूल अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखा सकें। जी गयूर साहब पर भी बंदी लगाई है, जाफर जतोई साहब पर भी लगाई है, मेरे पर भी लगाई है, हबीब रज़ा हैदरी साहब पर भी लगाई है और ढेरों पे लगाई हैं उन्होंने, लेकिन बस आप तमाम से ही अल्तमास, जितने देखने वाले हैं इस पर दुआ करने वाले हैं, ये दुआ करें कि मालिक अमीरुल मोमिनीन की विलायत पे कायम। बहुत शुक्रिया, आप तमाम अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मैं रात को 11 बजे पूरे मालिक पाक की नौकरी अपने इसी पेज से दूँगा और इमाम ज़माना बादशाह को पुरसा पेश करूँगा। जो मोमिनीन आएँगे उनके साथ मिलकर बादशाह की बारगाह में पुरसा पेश करेंगे। इमाम ज़माना आपको सलामत रखेगी, पाक भी आपकी इज्जतों में इजाफा करें।
मालिक हर अली वलीला पढ़ने वाले को सलामत रखे, हर अली वाले की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है मालिक उन जगहों को महफूज रखे, खुसूसन हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, हमारी पाक आर्मी को कामयाबी ता फरमाए, और जो जो दुश्मनाने विलायत अमीरुल मोमिनीन, दुश्मनाने आज़ादारी हुसैन और दुश्मनाने पाकिस्तान, मालिक उनको नेस्त नबूद फरमाए। लेकिन इन दिनों बादशाह की बारगाह में पुरसा पेश कर रहे थे हम भी, अगर उन्होंने रोक दिए तो ये रोने से तो रोक नहीं सकते, हम घर बैठ के रो सकते हैं, जहाँ भी रोक लें इमाम हुसैन बादशाह को रोने से कोई रोक नहीं सकता और बादशाह की विलायत पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, आप तुम अपना ख्याल रखिएगा, अली बादशाह आपको अपने हुज़ूर में रखें। या अली।